नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। अब बात मुद्दों की नहीं होती बल्कि पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। NDA के नेता अपनी रैलियों में लगातार लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। बता दें, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के मधुबनी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का नाम लेकर पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। JP नड्डा के बयान पर राजद नेत्री मीसा भारती ने पलटवार किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि JP नड्डा बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते। बिहार में आपने 10 साल में कहां कहां फैक्ट्री लगाई, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। आप लोग 2014 और 2019 में भाषण देते थे कि जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसी की चीनी से चाय पियेंगे, तो उसकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते हैं। इधर उधर की बात कर लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश ना करें। दरअसल JP नड्डा ने कहा था कि किसी वक्त लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और आज उनकी उन्हीं के साथ दोस्ती कर ली है। सवालिया अंदाज में JP नड्डा ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, क्या आपको पता है कि उनकी बेटी का नाम मीसा कैसे पड़ा। मीसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था। जनप्रकाश आंदोलन में JP नड्डा ने बताया कि उसी समय मीसा पैदा हुई थी, तो उनका नाम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के कारण मीसा पड़ गया था। इसी एक्ट में लालू यादव जेल गए थे, कांग्रेस ने ही उनको जेल में डाला था, लेकिन आज कांग्रेस के साथ दोस्ती हो गई है। गांधी मैदान में राहुल गांधी जी के साथ बैठकर गपशप मार रहे हैं और घर में मटन बनाना सिखा रहे हैं। तो वहीं JP नड्डा ने तंज कसते हुए आगे कहा कि दोस्ती ये हालचाल, ये रवैया, अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जो लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए, भ्रष्टाचारी में पूरी तरह से डूब गए, आखिर इतना बदलाव कैसे आ गया। JP नड्डा के इन तमाम बयानों को सुनकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN।